पेज नंबर 13 एमिनेंट एंटरप्रेनर, इसमें वैसे एंटरप्रेनर के बारे में बताया गया है, ऐसे उद्योगी के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने अपने दम पे इस दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाया हो, ठीक है, और उन्होंने नए क्रांति लाई और उसके कारण से आज दुनिया क्या है बहुत ही अधिक विकसित है। तो जमशेद जी टाटा पहला दिया हुआ है, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, ये पहला इंडिया का लाइसेंसिंग पायलट थे, ठीक है, और इन्होंने टाटा नगर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया था, ठीक है। तो वन का आई फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, जमशेद जी टाटा वाज फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, ओके। एंड द सेकंड वन इज धीरूभाई अंबानी, इट्स द वेल नोन नेम इन द नेम ऑफ इंडस्ट्री एंड इट इज द फाउंडर एंड दिस पर्सन इज फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धीरूभाई अंबानी एंड फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड एन आर नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर थे, इसके इन्फोसिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, ये भी पहले एम्प्लॉई हुआ करते थे लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अपनी कंपनी खोली थी इन्फोसिस, ठीक है। ए को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी एंड द फोर्थ मार्क जुकरबर्ग के बारे में तो सभी को जानना चाहिए क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया में क्या किया, एक रेवोल्यूशन ला दिया, इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन ला दिया। ये कौन है, ये फेसबुक के फाउंडर हैं, कौन है ये, फेसबुक के फाउंडर, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक ये सभी क्या है, सोशल मीडिया का एक स्तंभ है, ठीक है, और ये फेसबुक के कारण से सोशल मीडिया में बहुत ही अधिक रेवोल्यूशन आया है। इसके बाद है प्रिज मोहन लाल गुंजाल, ये को फाउंडर हैं हीरो मोटो कॉर्प। आप लोगों ने हीरो होंडा का नाम सुना होगा, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ठीक है, तो हीरो इंडिया की कंपनी है जिसका मालिक कौन है, गुंजाल और होंडा नामी कंपनी है, जापानीज कंपनी है, ठीक है। तो हीरो के मालिक कौन है, प्रिज मोहन लाल गुंजाल। सिक्स है सुनील मित्तल, कम्युनिकेशन आईटी कम्युनिकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, ये एयरटेल के क्या है, को फाउंडर है, तो ये सी है फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारतीय इंटरप्राइजेस का ही एयरटेल है। एयरटेल का नाम सभी सुना है ना सभी ने, ये डाटा क्या है, डाटा प्रोवाइड करता है, तो वो जिसे इंटरनेट आपका चलता है फोन भी आपको ये प्रोवाइड करता है, तो कम्युनिकेशन के फील्ड में ये बहुत बड़ा आइकॉन है। सेवन है सेठ शिव नारायण बिरला, ये आदित्य बिरला ग्रुप के फाउंडर हैं, जो कि बहुत ढेर सारे क्षेत्रों में इनकी कंपनियां है। बिल गेट्स का नाम मुझे लगता है कि एट तक आ गए, सभी को जानना चाहिए, सभी जानते होंगे, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट के वो फाउंडर हैं। जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर पे जो आपका विंडोज चलता है, विंडोज 10 हो, विंडोज 16 हो, विंडोज 7 हो, ये जो भी वर्जन है वो सभी वर्जन माइक्रोसॉफ्ट के हैं। नंबर 9 है हेनरी नेस्ले ग्रुप, नेस्ले का दूध वगैरह सब आता है, ठीक है ना, नेस्ले का कॉफी आता है, ठीक है, तो नेस्ले ग्रुप के फाउंडर कौन थे, हेनरी नेस्ले। 10 है स्टीव जॉब्स कौन थे, को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक, एप्पल के फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। एंड लैरी पेज का नाम आपने जरूर सुना होगा, गूगल यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लैरी पेज क्या थे, लैरी पेज गूगल के क्या है, को फाउंडर है, गूगल के क्या है, को फाउंडर है। फिर है वार्नर वेन सीमेंस, ये सीमेंस कंपनी के फाउंडर हैं, थॉमस जे वाटसन फाउंडर ऑफ आईबीएम, ठीक है, सबसे पहले आईबीएम का आपको मालूम होना चाहिए कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन,
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के मालिक कौन है? कौन है मालिक? थॉमस जी वॉटसन और डेविड पैकर्ड। डेविड पैकर्ड को फाउंडर ऑफ एचपी। आपने देखा होगा एचपी कंप्यूटर भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी है, ठीक है। हॉलेट पैकर्ड तो इसके मालिक कौन थे? डेविड पैकर्ड। फाउंडर कौन थे? डेविड पैकर्ड, ठीक है। तो ये सभी ऐसे एंटरप्रेनर हैं जिन्होंने कि इस फील्ड में एंटरप्रेनर में अपने एक आइकॉन्स